हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से एक फ़ोन आया है और काफ़ी ज़्यादा मस्त फ़ोन होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप इसका नाम देखोगे तो नाम भी इसका यार काफ़ी मस्त है। तो यहाँ पर देख सकते हो Marq फ्लिपकार्ट, तो M3 स्मार्ट फोन के नाम से ये फोन है और काफ़ी मस्त फोन होने वाला है। तो आज हम इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये कितने का है, इसका जो प्राइस है, इसके कैमरे कैसे हैं, या सारी चीज़ें आज का इसका लुक है, डिज़ाइन बुक, सारी चीज़ें आज की वीडियो में होने वाली है। तो गाइस यार वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक। तो चलिए गाइस पहले हम इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसको सील ब्रेक करते हैं, तो गाइस फोन जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त देखने में तो वैसे लग रहा है और ये नई कंपनी आई है। तो फोन का जो रिव्यू है मैं पूरा देने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट इंप्रेशन जो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक। तो चलिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम इसको बॉक्स में से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद देखोगे तो आपको जो इसका बॉक्स का डिज़ाइन है, कुछ कलर है, वो कुछ कलर भी काफ़ी अलग ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Marq बाय फ्लिपकार्ट M3 स्मार्ट के नाम से फोन है पूरा। तो इसको मैंने साइड में रख दिया और साइड में रखने के बाद ही हमारे पास आ चुका है एक बॉक्स। और बॉक्स देखोगे तो यहाँ पर जो सील पैक है, पहले हम इसको जो ब्रेक कर लेते हैं। तो चलिए गाइस इसको मैं भी पहले यहाँ पर सील ब्रेक कर लेते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने इसकी जो सील है वो ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करने के बाद अब जो फोन है, अब फोन को हम यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों साइड की सील को अच्छे से यहाँ पर खोल लिया है और अब इसको जो फोन को गाइस यहाँ पर हम निकालते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने फोन को यहाँ पर निकाल लिया है और निकालने के बाद हमारे पास आ चुका है सबसे पहले हमारा जो फोन। यहाँ पर आपको मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन Marq बाय फ्लिपकार्ट M3 स्मार्ट का। तो इसमें आप देखोगे तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि नया फोन है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक, आपको यहाँ पर देख सकते हो स्क्रैच गार्ड जो कि आपको प्लास्टिक में मिलने वाला है, देख सकते हो। तो आप इसको लगा सकते हो जिसकी वजह से स्क्रैच ना है, क्योंकि इनका जो टेम्पर है वो मार्केट में कभी ना मिलेगा, इसकी वजह से पहले से ही यहाँ पर जो कंपनी ने स्क्रैच काट दिया है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद आपको मिलती है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, आप अगर इसको रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको इस वाले इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैनुअली जो है वारंटी कार्ड Marq M3 का। तो इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन कार्ड था, इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद आता है गाइस यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइस, तो फोन देख सकते हो, फोन जो काफ़ी मस्त वैसे तो देखने में लग रहा है। तो गाइस इसको भी यहाँ पर हम साइड में रख लेते हैं पहले, उससे पहले देखते हैं हम अपने बॉक्स में और क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल अंदर से एकदम पैक है, तो इसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं गाइस। तो इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया है और निकालने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर एक चार्जर मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्जर की अगर देखोगे क्वालिटी की बात तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। इस पर भी आपको जो है Marq बाय फ्लिपकार्ट आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। Marq बाय फ्लिपकार्ट इंस्पायर्ड बाय यू, और यहाँ पर देखोगे तो चार्जर भी यार काफ़ी अच्छा है वैसे तो फ़ोन के हिसाब से। और कहीं जो फ़ोन का प्राइस है वो यार आप एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि आप जिस फ़ोन को काफ़ी जल्दी एकदम मंगवाओगे। तो यहाँ पर आपको मिलता है कुछ, आपको इसमें देख सकते हो डाटा केबल आपको इसमें कौन सा मिलता है, क्योंकि टाइप सी है, आपको इसमें USB केबल ही मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले। क्योंकि तो गाइस यहाँ पर हमारा आ चुका है देख सकते हो डाटा केबल, और यहाँ पर आपको बात करें तो आपको USB केबल ही देखने में मिलने वाला है। इसमें टाइप सी होता तो और ज़्यादा मस्त होता फ़ोन, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद गाइस देखोगे तो यार ये फ़ोन की बैटरी आपको इसमें अलग मिल जाती है, तो इसका मतलब जो फ़ोन में बैटरी डलेगी, और बैटरी यार 5000 mAh की मिलती है। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है, देख सकते हो इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाली है। तो गाइस चलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं पूरे बॉक्स को, और बॉक्स को यहाँ पर रखने के बाद हम अब आते हैं फ़ोन में, डालते हैं अपने बैटरी। और बैटरी डालने के बाद गाइस यहाँ पर हम इसको अब रख लेते हैं साइड। तो इसको मैंने पहले साइड में किया और इसको बॉक्स में हम यहाँ पर पैक करके रख देते हैं। तो इसको हमने साइड में रख दिया है गाइस। यहाँ पर हम तो पहले अब आते हैं फ़ोन की तरफ अपने, और देखोगे तो फ़ोन का जो डिज़ाइन है, जो लुक है यार, वो काफ़ी मस्त एकदम से लग रहा है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, फ़ोन का जो बैक पैनल है कुछ आपको शायद मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने डाला था शायद इन्फिनिक्स का एक फ़ोन डाला था। तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसका जो लुक है, डिज़ाइन है पीछे का, आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यानी कि जोनी मैक्स का एक ऐसा फ़ोन था शायद, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ एक स्पीकर मिल जाता है पीछे Marq का, यहाँ पर आपको जो पीछे ऑप्शन मिलेगा आप देखोगे, जैसे इस पर लाइटिंग पड़ेगी पीछे की साइड में, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो आपको इसमें डबल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको 13 MP का मेन कैमरा मिलता है और आपको जो एक डिजिटल लेंस का कैमरा मिल जाता है। नीचे आपको फ्लैश मिलती है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पर आप फ्रंट पर आओगे तो आपको 5 MP का यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा Marq M3 यहाँ पर देख सकते हो। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो यार काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 6.1 इसकी HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, 13 MP का आपको कैमरा मिलता है, और यहाँ पर आपको जो ब्रोकन लेंस के साथ जो दिया गया है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, और आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी।
तो गाइस यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इसमें 2 GB रैम मिल जाती है और साथ ही आपको 32 GB जो है इसमें रैम मिल जाती है। एंड्रॉइड इसमें आपको 10 मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम फोन को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और इसको जो है पहले बैटरी डाल के इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं जो इसके फीचर्स है, डिस्प्ले टेस्ट है वो कैसे होने वाले हैं। साथ ही आपको इसको कैमरा टेस्ट भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्राइस के हिसाब से जो है फ़ोन हमारा कैसा होने वाला है। तो गाइस इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही फ़ोन खोलते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आपको इसको अच्छे से खोल लेना कि इसका बैक पैनल कहीं टूट ना जाए। तो चलिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो आप डबल सिम कार्ड आप यूज़ कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसमें डबल सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो, एक यहाँ पर आप चिप लगा सकते हो। चलिए गाइस यहाँ पर हम बैटरी डालते हैं और इसको पावर ऑन ऑफ करके देखते हैं जो फ़ोन है वो कैसा होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हमने बैटरी डाल दी और यहाँ पर इसको हमने बैक पैनल को ऑन कर लिया है और इसको फ़ोन को यहाँ पर हम करते हैं ऑन। तो इसको पहले मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इसको रखते हैं साइड में और साइड में रखने के बाद अपने फ़ोन को ऑन कर लिया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी मस्त है एकदम से मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट का यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा स्टार्टिंग में जब इसको आप ऑन करोगे। तो देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें इसमें कंपनी का नाम स्टार्टिंग में आ चुका है और ये ऑन होने का तरीका भी गाइस इसका देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अलग लगने वाला है। तो इरेस कुछ इस तरीके से आया था और यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो ऑन है वो यहाँ पर होने लग गया। तो इससे पहले गाइस जैसे ये फ़ोन ऑन होता है तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो बिल है, मैंने ये फ़ोन जो कितने का परचेज़ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर मिल जाएगा Marq by Flipkart M3 स्मार्ट के नाम से और जो गाइस इसका जो प्राइस देखोगे तो आपको जो इसका प्राइस है वो 5849 रुपये का है। मात्र 5849 रुपये का गाइस जो फ़ोन है ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट अवेलेबल है। अगर आप छूट पर मंगाओगे तो आपको और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो फ़ोन देखते हैं हम यहाँ पर जैसे ऑन होता है तो काफ़ी टाइम लग रहा है वैसे तो। तो वैसे तो अगर देखोगे तो आपको पीछे प्लास्टिक पैनल है और जो लुक है डिज़ाइन है हैंड फील्स की अगर बात करें तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैंड फील भी काफ़ी मस्त एकदम से आपको देखने में लग रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा है वैसे तो हैंड फील्स की अगर यहाँ पर हम बात करें, ज़्यादा मोटा नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे अगर आप देखोगे तो आपको पहले मिल जाता है यहाँ पर नीचे की साइड में एक माइक मिल जाता है, नीचे आपको यहाँ पर माइक मिल जाता है। उसके साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। साइड में आपको वॉल्यूम पावर ऑन ऑफ की वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाता है। ऊपर की साइड में आपको तो आपको 3.5 mm का ऑडियो हेडफोन जैक मिलता है। साइड में आपको जो है कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल क्लीन है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये रुक चुका है और यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट ऑन होता है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस फोन जो हमारा कंप्लीटली ऑन हो चुका है, कुछ आपको इसमें सेटअप आएंगे तो उन सेटअप को आपको गाइस कंप्लीट करना है। तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्किप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्किप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे कुछ सेटअप्स आएंगे, इनको आपको फॉलो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पर दोबारा से मोर पे जाना है और यहाँ पर आपको एप्सेप्ट पे क्लिक करना है। एप्सेप्ट पे जैसे गाइस यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने कुछ एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फिर दोबारा से। तो आपको स्किप पे यहाँ पर क्लिक करके आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर हमने स्किप पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपको जस्ट स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, आपको थोड़ा सा फिर वेट कर लेना है। जैसे गाइस वेट करोगे तो हमारा जो फोन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर गाइस ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फोन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी ब्राइटनेस को फुल करते हैं और जो इसमें यहाँ पर देखते हो ऑटो फोकस कुछ दिया गया है, इसको हम हटा लेते हैं। तो सबसे पहले देखोगे अगर इसके डिस्प्ले की क्लैरिटी की बात देखोगे तो डिस्प्ले काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पर इसके जो HD है काफ़ी मस्त एकदम से क्वालिटी है और यहाँ पर चलाने में भी इसको थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो काफ़ी मस्त होने वाला है। इसके बाद चलते हैं गाइस यहाँ पर हम सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इधर ऑप्शन आएगा, आपको नीचे आना है, अबाउट डिवाइस पे जाना है। अबाउट डिवाइस पे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फेस आईडी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बैटरी मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप देखोगे तो डिवाइस का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी इसमें आपको चेंज कर सकते हो। बाकी नीचे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे 2 GB आपको रैम मिल जाती है और CPU आपको इसमें ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिल जाता है। और बाकी नीचे आप देखोगे तो एंड्रॉइड वर्जन जो इसमें वो 10 मिलता है। तो गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा कैमरा टेस्ट कर लेते हैं और कैमरा टेस्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं जिसकी क्लैरिटी है कैमरों की वो कैसी होने वाली है। तो हम इसके कैमरे पर जाते हैं और कैमरे पर जैसे गाइस यहाँ पर हम आएंगे तो इसके कैमरे जो है गाइस यहाँ पर ऑन हो चुके हैं और ऑन होने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चर शूट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो गाइस फोन के हिसाब से अगर बात करें प्राइस के हिसाब से तो कैमरा भी काफ़ी मस्त यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है आपको इसमें कैमरे में मैनुअल का मिलता है। मैनुअल के बाद देखोगे तो आपको इसमें वीडियो का मिलता है, आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर आप सेटिंग पर जाओगे तो इसमें वीडियो के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 720p में और 480p में भी यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p में हमने क्लिक कर दिया। फोटो शूट आप करोगे तो फोटो में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिएगा इसमें फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ और कैमरा काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको इसमें मिल जाती है। फेस ब्यूटी के हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी सारे हैं, स्मूथ का, ब्राइटनेस,
इन सिमली का मोर पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखो तो मैनुअल का मिल जाता है, रेस्ट का मिल जाता है, प्रोमो का एक ऑप्शन, टाइम लैप्स का, स्लो मोशन का, इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। और क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। नाइट में अगर आपको फोटो क्लिक करनी है तो आप नाइट मोड इसका यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी जो क्लैरिटी है वो देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर प्रेस करना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।